मोदी सरकार आपको पता है कि हिंदुस्तान को आसमान में उड़ा दिया। मोदी गरीब अगले खराब आदमी है। तो राहुल गांधी जी का उम्मीदवार कौन है? राहुल गांधी का भाई साहब ये को नहीं चुनाव आ रही की मॉल समझ में। अभी सचिन है तो राजस्थान में सब कुछ है। अच्छा है, उसके अलावा कोई नहीं है। सचिन कौन सा प्रधानमंत्री थोड़ी बन रहा है, कौन सा मुख्यमंत्री थोड़ी बन रहा है। मोदी जी के नाम से बीजेपी जीत के निकल रही है। अच्छा, ना कि कांग्रेस के नाम से। और सेंटर में हमें चाहिए मोदी जी। तो राहुल गांधी जी कौन कर देंगे? नहीं नहीं, वो तो है दूसरा नेता। कांग्रेस में तो कोई नेता है नहीं, नेता तो अपने मोदी जी है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। राम राम सा मथर सा तरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ खेतड़ी उपखंड के रामकुमारपुरा गांव के मायने। रामकुमारपुरा गांव की एक पहचान भी है जो खेतड़ी के विधायक धर्मपाल जी गुजर युवा को पैतृक गांव है। तो लोकसभा चुनाव लेके अड़ा की जनता को के मानना है और अब की बार में कौन सी पार्टी ने है वो वोटिंग करेंगे, सारी बातचीत तुम्हारे साथ करेंगे। तो थाने वीडियो के साथ लास्ट तक उन्हें करना है, शेयर वो कर देना है और साथ में अगली चुनावी यात्रा कौन से गांव या ढाणी में करनी है भाभी दे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करोगा। राम राम जी। राम राम। की नाम है जी? रोशन सिंह। रोशन जी क्या करो? फिरवाड़ा बोल दिया। अच्छा, फिरवाड़ा के काम हो है समझा दो। जंगलात में रहना, कोई बोझो काट ले। अच्छा, वन विभाग में? हाँ, वन विभाग में। रुखाली करो, मतलब खाली करा ना। अच्छा, एक चीज मैंने बताओ, अभी जहाँ चुनाव आने लोकसभा का के माहौल बना रहे हो, किको माहौल? माहौल तो देखो, जो गैल ने जो बन रहा है ना वही हिसाब से चल लेंगे। तो गैलन की बन रही हो? गला ने जो धर्मपाल दिया ना उन्हें भी जाऊंगा। क्या कारण? कारण यो है साहब, आग लोग करके दिखाऊ, करके दे भाई। अच्छा, मौको दे सोगे? मौको देगा। गाँव का ही जना? गाँव का ही जना? गाँव का नहीं, गाँव तो डॉक्टर साहब के मारा गाँव को जो। अच्छा, उन्हें बहुत दिन बहुत साल तक मौको दियो। अच्छा, फिर क्या करो जाए? मनीषा ने बहुत मौको दियो। अच्छा, अब करो क्या जाए तो बताओ? बदल दियो की बार है? बदली जाए सरकार तो। क्या उम्मीद लगा रखी है? कौन सा काम बाकी नजर आ रही है? देखो हमारे यार रोड बाकी जाए। अच्छा, अभी देखा ना धर्मपाल जी रोड कर देंगे। राम राम। के नाम जी? अशोक कुमार सैनी। अच्छा जी, क्या लग रहे अब की बार जाए? अभी लोकसभा चुनाव नजदीक आ रही है, कोई माहौल बढ़ता नजर आ रहा है? अभी तो ज्यादा बीजेपी को है। क्या कारण? कारण है कि बीजेपी जब मोदी को ले आना है, मोदी को देश की सुरक्षा के लिए हर तरह से काम करता है मोदी, हर फील्ड का माहिर। तो राहुल गांधी जी कौन कर देंगे? नहीं नहीं, वो तो है दूसरा, वो नेता थोड़ी है। वो तो नेता ही और की पॉलिटिशियन ही। नहीं नहीं नहीं, नेता में कांग्रेस में तो कोई नेता है नहीं, नेता तो अपने मोदी जी है। देश के लिए बहुत कुछ किया है, वो करता रहेगा। कर दियो हर चीज में, देख लो आप दो चार गिनती करा दो। देश विदेश में देख लो, अपने जो धारा उठाई उन्होंने, राम मंदिर बनवा दिया, एनआरसी ला दी, सब कुछ किया उन्होंने। तो ये धाराओं राम मंदिरों को आम आदमी के फायदो सारो ही फायदो, और सुरक्षित है। पहले कितना वो होता बम ब्लास्ट, अब थोड़ी हो रहा बम ब्लास्ट ना। पहले जगह होता कभी हैदराबाद में, कभी दिल्ली में, कभी जयपुर के मायने, अब थोड़ी होता है। और सेना के लिए बहुत बढ़िया काम किया। क्या कर दियो सेना के लिए? चाइना बॉर्डर पर बढ़िया कहना एयरपोर्ट, ये रोडों का विकास खूब किया उन्होंने, अंडरग्राउंड तो बहुत अच्छा काम किया मोदी जी। और विदेशों में मोदी जी फर्स्ट नंबर पर चल रही मान्यता। अच्छा, अब अपना बड़े केंद्र निकल के ठिया जाओ अपने झुंझुनू को मायने। झुंझुनू में कैसे दिख रही है बीजेपी और कांग्रेस की? बीजेपी आएगी झुंझुनू में, ये कारण वही है बस। जब मोदी जी वाला काम ठिका डाऊंगा काम कहे गुनाओगे, अब बीजेपी सरकार आएगी बहुत कुछ काम करेगी बीजेपी। हाँ, तो आपने कौन सा काम अभी बाकी रह रही? काम तो ये रोड है, ये करा देगा बीजेपी सरकार आई है, अभी मिनटों में थोड़ी है। कांग्रेस की टाइम में तो ये रोड बनी नहीं है हमारी, तो अब करवाएंगे। तो ये रोड के अलावा भी कोई और काम बाकी रह रही? पानी पूरी कैसी? पानी पूरी तो ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जब पहाड़ी बेल्ट के में तो पेयजल की समस्या खेतड़ी में? पेयजल तो नहर तो यहाँ ही नहीं, जमीन तो बड़ खाबड़ है यहाँ पे तो। हाँ, ठीक है, पानी व्यवस्था तो होनी चाहिए। हाँ, तो पानी की व्यवस्था ट्यूबवेल लगा रही है जगह जगह। नहीं, धर्मपाल जी थर गाँव वाला ही विधायक है, इसलिए तो सपोर्ट कौन कर रहे हो बीजेपी? सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, हमने तो वोट दिया है धर्मपाल जी को, बढ़िया आदमी है धर्मपाल जी। विजेंद्र जी को के माहौल है कांग्रेस की टिकट बन मिली कैसा की विजेंद्र जी प्रत्याशी? उनका तो अभी कोने माहौल नहीं है। 25 सीटें राजस्थान के में, कति बीजेपी के देख रहे हो, कति कांग्रेस के देख रहे हो? 25 की है तो 25 में से 20 तो मान दो थे। 20 होने, 5 कौन सी छोड़ दी? 5 तो कोई रह जाए कोई। अच्छा, कोई रह जाए, गंदे सोचता जाहिर करे। अच्छा, क्या लग रहे हो अब की बार चुनाव आ रहे हैं पत्तों के धन?
भाई आ रहे तो मन तो कुछ भी और क्या बोटियो खड़ी दूंगा जना बोटियो फूल पर हाथ पर हाथ पे दूंगा क्या मेरी मर्जी नहीं कोई काम वाम करा सी काम करे ना करे तो हाथ खड़े गुणू रे हाँ? कोई भी हो चाहे कोई भी हो तो फूल बता रहे हैं सारा वो कोई तो फूल दे देगा ये नहीं तो भैया कोई आने की मर्जी का निप दे नहीं वो तो सही मर्जी है कोठे हाँ? कोई कोई दो पर थे अलग कहे छठिया गाँव है बुजुर्ग तो हम कांग्रेस दे तो आज कांग्रेस दूंगा अच्छा पक्का कांग्रेस ही हो हाँ कांग्रेस राम राम जी राम राम क्या नाम है जी रोहतास नाम अच्छा लोकसभा चुनाव में क्यों माहौल बना रहे हो थे देखो साहब फिलहाल तो ज्यादातर बीजेपी को ही साथ रहे हमारा ज्यादातर बीजेपी हाँ क्या कारण है कि जाए मतलब अब हमारे धर्मपाल जी आए जाए तो आगे भी मान लो ऊपर भी ये प्रधानमंत्री जी जाए तो इका हिसाब से बैठे भी ये से ये हिसाब से काम खूब मिलेगा ये हिसाब से बैठे नहीं दे अच्छा विकास की तरफ देख रहे हो विकास बटे केंद्र को और बीच को मतलब जज्जा काम का बस यो हिसाब तो विजेंद्र जी जाए मान लो जीतते हैं तो के स्थिति रहे इसके क्षेत्र का अब देखो साहब बात तो क्या बताई जाए क्या हुआ क्या ना हुआ हाँ जय मान लो सरोज सालती ऊपर बीजेपी जय हमारा ठे कांग्रेस का बन जाए विधायक तो वो काम धंधा कोने हो अगर अच्छा कौन बैठे मामलो बैठे कोने तो ये तरफ से जनता या लग रही कि एक तरफ काम होगा दो ना तो ये काम अपना तो सिलमूंगा राम राम जी क्या नाम है विकास अच्छा मैंने एक चीज बताओ अभी जो लोकसभा चुनाव नजदीक आ रही है सामने तो की को माहौल बन रही बीजेपी या कांग्रेस को बीजेपी को की कारण अब माल में बीजेपी नहीं देता क्या नाम है नाम राजू है भाई साहब राजू जी अभी की को माहौल बना रहे हो फिलहाल में मोदी सरकार को अच्छा मोदी जी को सेंटर मोदी सरकार के कारण कारण तो ये है कि मोदी सरकार आपको पता है कि हिंदुस्तान को आसमान में उड़ा दिया वो आसमान में उड़ा दिया आसमान में उड़ा दिया मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया अंतरिक्ष में भेज दिया अंतरिक्ष में कौन भेज दिया अंतरिक्ष में भेज दिया ना हमारे चंद्रमा को पास नहीं भेज दिया अच्छा क्या बता रहे हो मोदी गरीब अगले खराब आदमी है वो कह रहे हैं बढ़िया आदमी ना ना गरीब अगले खराब आदमी अरे भाई जी तो खराब बता रहे मोदी ने तो सभी विपक्ष के और पक्ष के भी है ना तो सभी थोड़ी सपोर्ट कर रहे होते मगर राहुल गांधी ने तो राहुल गांधी जी का उम्मीदवार कौन है राहुल गांधी का भाई साहब हेरा को नहीं बेरो ही कौन कुछ और भी लोग ही राम राम जी राम राम जी राम क्या नाम है साहब रमेश गिराटी रमेश जी अभी जो चुनाव आ रहे हैं सामने तो की को माहौल समझ में आ रहे बीजेपी को मोदी को मोदी जी को क्या कारण वो देश के लिए मोदी है सब अच्छा मोदी है तो मुमकिन है अभी सचिन है तो राजस्थान में सब कुछ है अच्छा उसके अलावा कोई नहीं है के हिसाब से फर्क पड़ोगे थोड़ा सा समझाओ दर्शक समझना चाहूंगा ये चीज देखो सचिन ने नवयुवकों के साथ में 36 जात के साथ में कंधा से कंधा लगा के चलता है ठीक है आ, उसके मुकाबले कोई नेता नहीं है न किसी की कोई जात पात का सब समाज को एक लेके एक करके चलता है नहीं अभी जो विजेंद्र जी ने कमान है हाँ। कांग्रेस की तो बहुत खुशों के माहौल समझ में देखो विजेंद्र जी को बेरो को ना बाकी सचिन जी का बहुत प्रभाव पड़ेगा सबके मान लिया निकल जाएगी टिकट हाँ निकल जाएगी हाँ पता वोटाओ देखो वोटा को तो अभी रखो ना बाकी गुजरों का बहुत तगड़ा माहौल रहेगा सचिन पायलट के लिए हम हैं 2028 के अंदर उनके लिए तैयार हैं सचिन कौन सा प्रधानमंत्री थोड़ी बन रहा है कौन सा मुख्यमंत्री थोड़ी बन रहा है सचिन की हम इज्जत करते हैं बहुत हमारे समाज का नेता है उसको जरूरत पड़ेगी तो वोट देंगे उनके लिए गुजरों का तो एक ही नेता है साहब सचिन है तो गुजरे नहीं तो नामुमकिन है लो साहब है बिल्कुल कट्टर कांग्रेस ही है अच्छा नहीं कांग्रेस उसे तो प्रधानमंत्री के रूप में किन देखना ठीक है प्रधानमंत्री उसी को देखना चाहते हैं नौ एक तो सचिन जी जो कह दे ना तो आधी रात में मरण खातर तैयार है तो प्रभाव पड़ेगा तो प्रभाव पड़ेगा मोदी जी का थे अभी कहीं काम गिनती करवा रहा पांच चार गिनती करवा रहा मोदी जी ने बहुत कुछ किया है साहब राम मंदिर बना दियो धारा 370 हटा दी महिलाओं के लिए गैस योजना बहुत कुछ किया है तो धरातल पर पूछ रही भी पूछ रही है कोई पूछ रही है राम मंदिर की बात की तो राम मंदिरों के फायदों वो आम जनता आम जनता ने धार्मिक तो है राम आस्था तो है आस्था चीज अलग होगी रोजगार चीज अलग होगी रोजगार वहाँ तो रोजगार तो वहाँ बस एक लोकल एरिया में रोजगार से थोड़ी काम चल जाएगा युवा तो आपने ढेबी 500 वर्ष से अटका पड़े वो मामला सुलझा है तो राम की आस्था तो ही धर्म की रास्ता तो है तो अठी की स्थिति समझ में आ रही है झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में झुंझुनू बीजेपी निकले बीजेपी नहीं धर्मपाल जी ढगा ही बिलोंग करी गाँव से ई वजह या फिर कोई और कारण है नहीं बीजेपी बीजेपी मोदी जी ने वोट दे रहे हैं धर्मपाल जी से फर्क पड़ेगा अपन बीजेपी ने मोदी जी को वोट दे रहे हैं अरे ई गांव से कता की वोट लेके निकले यहाँ का 90% बीजेपी में है ना हाँ। मोदी जी के नाम से ही मोदी जी को वोट मिल रहे हैं हाँ अरे को के कटजी के नाम से ही बीजेपी जीत के निकल रही है अच्छा ना कि कांग्रेस के नाम से और सेंटर में हमें चाहिए मोदी जी अच्छा क्या उम्मीद है मोदी जी मतलब अभी आगे आगे के लिए क्या उम्मीद है मोदी जी भाई जी हिंदुस्तान को आगे से आगे शक्तियों में बढ़ाता जा रहा है अच्छा। पहले कांग्रेस के टाइम में क्या था सेना के पास क्या था आज की है मोदी जी ने बहुत कुछ लिया दिया आज की है बहुत कुछ लिया दिया आप कथा की वोटों था लागरिक
अंदाजो भाई जी 25 सीट है राजस्थान में, 25 सीट में 20 सीट तो बीजेपी की फाइनल है। फाइनल कितना? हाँ फाइनल है। पांच कौन सी छोड़ दी? मान लो कोई एक आधी टुचमुच निकली आती है उसमें, पांच टुचमुच में पांच आ जाएंगी कि बराबर की पार्टी है वो। कांग्रेस भी तो हल्की पार्टी थोड़ी है, पर उसके लेके निकलेगा दो तीन सीट तो पक्की ले जाएगा। धर्मपाल जी गुजर के गांव से चुनावी जो यात्रा है पर रिकॉर्ड करिए तो एक माँ जाहिर सी बात है भाई बाकू गांव उनकी वजह से ज़्यादातर लोग बीजेपी के समर्थन में बातचीत है बा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का लोग भी अपने अड़े मिले ही। ये आधार पर थारो के मानना है अब की बार झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के मायने की स्थिति है बारे इसके थे मान कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करोगा और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए बने रहो झलको झुंझुनू के साथ। राम राम।